गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके मैथ्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मंथ ऑफ द ईयर, आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपने साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मतलब 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के आपने अच्छे से नाम याद करने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन बनाया है जिसे आपने सॉल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक पर। यहाँ ऊपर इंग्लिश लिखा है, यहाँ हिंदी, मतलब यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ आपको हिंदी में। आपको ये शब्द दिया है, क्या है? जनवरी। अब आपको जनवरी शब्द दिया हुआ है, आपने यहाँ पर हिंदी में जनवरी लिखना है इस तरह से। ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हिंदी में जनवरी लिखा है। अब यहाँ लिखा है फरवरी, यहाँ आपको इंग्लिश में फरवरी लिखना है। यहाँ लिखा गया है अक्टूबर, यहाँ आपको हिंदी में अक्टूबर लिखना है। इसी तरह ये आपका एक पजल क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें कंफ्यूज किया हुआ है, बस आपने इस तरह से लिखना है। अगर यहाँ इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ हिंदी में, अगर यहाँ हिंदी में लिखा है तो यहाँ पर इंग्लिश में। इन क्वेश्चंस को, इस पजल क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पर सॉल्व करेंगे और मुझे फ़ोटो खींच कर ज़रूर भेजेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।